हेलो एवरीवन, मैं हूँ सृष्टि। एंड आज मैं जो फरवरी मंथ में जो कपल सीरीज चला रही हूँ ना, जो जहाँ पे मैं पॉजिटिविटी को स्प्रेड कर रही हूँ, लव मैरिज को मेनली प्रमोट कर रही हूँ, उसमें मैंने पिछले वीडियो में मैंने जो लव इज इन द एयर बोल के जो वीडियो बनाया था उसमें मैंने बताया था कि मैं कोई सेलिब्रिटी कपल्स को नहीं डालूंगी, बट मैंने सोचा कि दो ऐसे सेल्फ मेड सेलिब्रिटी कपल्स हैं जो सिंगिंग इंडस्ट्री एंड फिटनेस इंडस्ट्री से हैं, आप लोगों को दिख जाएगा, मैं उनको अपलोड करूंगी, उनके स्टोरीज मैं लिखूंगी तो आपको पढ़ के समझ में आ जाएगा। उनमें से एक कपल है जिनको मैं थोड़ा बहुत जानती हूँ, एंड जानती हूँ इन द सेंस कि पर्सनली नहीं बट थ्रू वर्क मैं उनसे कॉन्टैक्ट करी थी तो उस तरीके से जानती हूँ। एंड अनदर कपल इज कम्प्लीटली सेलिब्रिटी जिनको मैं नहीं जानती हूँ, बट दे आर सेल्फ मेड सेलिब्रिटी ओनली। सो यहाँ पर मैं जो चीज़ बताना चाहूँगी ना कि व्हाट आई रियलाइज्ड थ्रू ऑल दी स्टोरीज, मैंने लगभग मान लीजिए मैंने बोला था कि मैं 7 दिन लगातार करूँगी जिसमें थोड़ी सी चेंजेस है, जो फ्रिक्वेंसी में डाल रही हूँ उसमें थोड़ी चेंजेस है, बट मैं लगभग 15 स्टोरीज आई थिंक मैं कवर कर ही रही हूँ, 10-15 आपको दिख ही जाएंगे, मैंने उस तरीके से काउंट तो नहीं किया है अभी, बट इट्स लाइक लॉट ऑफ स्टोरीज। एंड मैंने आई वुड से विद गॉड्स ग्रेस आई डोंट नो व्हाट हैपेंड कि मैंने जितने स्टोरीज भी देखे ना उसमें इट्स अ फेरी टेल जो कि रियल लाइफ में है, सारे लोग मेरे कॉन्टैक्ट से हैं, मेरे स्कूल से है या फिर मेरे कॉलेज से है। अगर आप लोग को किसी को लगता है ना कि मैं उनसे जो स्टोरी ली हूँ उसका मैं कोई प्रूफ भी दूँ, मुझे उनके मैसेजेस मेरे पास है, उनके वॉइस मैसेजेस मेरे पास है, एंड कुछ लोग जो मेरे फैमिली से उनको तो मैं डायरेक्टली जानती हूँ। मैंने इस तरीके से किसी से पर्सनली पूछा नहीं था क्योंकि मैं इस चीज़ को मेरे दिमाग में मैं करूँगी, एंड पीपल वर सो गुड टचवर्ड, सारे लोगों ने जिन्हीं को मैंने अप्रोच किया, लिविंग वन और टू जिनके पास शायद पॉसिबिलिटी नहीं है, एक फ्रेंड है जिसकी लव का मरीज था तो फिर शी डिडंट वांट टू शेयर द पिक्चर्स एनीवेज, एंड एक शायद कपल मैं अपलोड करूंगी, अभी तक मैंने शेड्यूल नहीं किया उसको, मैंने बात किया है हु इज अरेंज्ड मैरिज बट द कपल इज सो रोमांटिक, द एंटायर स्टोरी इज सो ब्यूटिफुल कि आप लोग को लगेगा ही नहीं देख के उनको कि वो अरेंज्ड मैरिज हुआ है इनका, इट्स सो ब्यूटिफुल, इट्स जस्ट वंडरफुल। उसमें जो मैं जस्ट बता दे रही हूँ कि मैंने जो देखा था कि जो कपल में जो हस्बैंड है वो वाइफ के लिए जिसे हम एक्सपेक्ट करते हैं ना कि टेंट बना के, कैंडल्स बना के, फ्लावर जो रोमांटिक मूवीज में होता है ना बिल्कुल वैसे सेटअप करके, लेटर्स लिख के एक दूसरे को गिफ्ट देना, लाइक शी शेयर्ड ऑल द पिक्चर्स एंड वीडियोज जब वो चीजें चल रहा था, आई वाज फीलिंग लाइक मैं कोई मूवी देख रही हूँ क्या। एंड मैंने जैसे पिछले वीडियो में बोला था कि 2019 से स्टार्ट करके मुझे सारे फिल्मी कपल्स दिख रहे हैं जो हम फिल्म्स में जानते हैं ना कि ऐसा होता है, ऐसा होता है, एंड कुछ फिल्म्स में ना नेगेटिविटी स्प्रेड किया जाता है कि स्ट्रगल करके रिलेशनशिप बना, हर स्टोरी वैसी नहीं होती है, या फिर नहीं हो पाएगा, या फिर जो मैनिफेस्टेशन कोचेस के पास में जो लोग आते हैं या फिर बहुत सारे लोग आते हैं दुनिया में, कहीं ना कहीं मेरी लाइफ में भी मैंने देखा है फैमिलीज में या पर्सनली कि जो ब्लॉक अनब्लॉक का जो चीज चलता है या फिर बहुत ज्यादा पार्टनर के साथ इशू या फिर ये रिलेशनशिप नहीं मैनिफेस्ट हो रही या फिर मतलब जो नेगेटिविटी होता है ना वो चीज एक्चुअल में इतना ज्यादा नहीं होता है, चीजें बहुत सिंपल है, चीजें बहुत आसान है, चीजें आराम से हो सकती है। आप जब मेरे स्टोरीज को पढ़ेंगे ना आप लोगों को यकीन हो जाएगा, एंड सारे मैं रियल पिक्चर्स भी डाल रही हूँ, ऐसा नहीं कि मैं बनावटी दे रही हूँ, ये सारे लोग से मैं कनेक्टेड हूँ, इन सबको मैं जानती हूँ, मैं कैसे जानती हूँ मैं सब बता रही हूँ आप लोगों को, लेकिन पर्सनल पिक्चर्स में इतना तो ऐसे एवे ही तो नहीं ढूंढूंगी, हर कपल का 5-7 पिक्चर्स मतलब मैं कोलाज करके या कुछ तरीके से यूट्यूब कम्युनिटी में 5 ही पिक्चर्स मैक्सिमम अपलोड कर सकते हो, तो उस तरीके से मैं चीज़ों को मतलब जो डाल रही हूँ। एंड वन थिंग इज यूट्यूब कम्युनिटी, मुझे बहुत सारे लोग बोलते हैं कि तुम्हारे तो सब्सक्राइबर्स 500 ही है कैसे फिर कम्युनिटी हुआ, वो मेरा आप बोल सकते हो विद गॉड्स ग्रेस शायद मैनिफेस्टेशन था, क्योंकि मुझे जब लगा था कि काश मेरा कम्युनिटी भी होता, उसके कुछ ही दिन में मैंने देखा कि कम्युनिटी पोस्ट का एक मेल आया कि यू कैन नाउ पोस्ट पिक्चर्स, योर कम्युनिटी टैब इज एक्टिव, सो इट्स गॉड्स ग्रेस में भी, क्योंकि मैं शायद उस तरीके से पता नहीं कि नंबर ऑफ वीडियोज या वॉच आवर्स या किस तरीके से उन लोगों ने दिया, बट इट्स फाइन। तो जो मैं बात बता रही थी कि आप लोग को सारे इस चीज में दिख जाएगा ना जो स्टोरीज है कि इट्स नॉट दैट डिफिकल्ट, इट्स ईजी,
सारे ही मैनिफेस्टेशन स्टोरीज जो है ना, मैंने सारे लव मैरिजेस डाला है. मैंने एक जन को अरेंज मैरिज का पूछा है, क्योंकि उनका जो अरेंज मैरिज है ना, वो अगर पिक्चर्स मुझे दे देंगे या फिर देने के लिए अलाउ करेंगे, उनका जो, वो भी मेरी बैचमेट है कॉलेज की, सो उसका जो स्टोरी है ना, उसमें बिल्कुल रोमांटिक चीज़ें बहुत ज़्यादा है. सो ऑल द कपल्स, देयर इन लॉज, एंटायर प्रोसेस इज नॉट दैट डिफिकल्ट. थोड़ा बहुत अर्चन छोटे छोटे में आएंगे, कुछ कुछ बहुत डिफरेंट स्टोरीज आपको देंगे, कुछ स्ट्रगल्स भी रहेंगे, बट एवरीवेयर देयर इज टुगेदरनेस, अल्टीमेटली देयर इज सक्सेस. तो इतने सारे जो जो हम सीखते हैं ना, कि आप अपने आसपास के एग्जाम्पल से देखो, कि जैसे मैंने किया, कि मैंने अपने कॉन्टैक्ट्स में सर्च किया, कि मुझे क्योंकि दिख रहा था ऐसा, तो मुझे लगा ये क्या हो रहा है, मुझे दिख क्यों रहा है, अलॉन्ग विथ सम नंबर्स जो हमारे एंजल नंबर्स होते हैं ना, वैसे नंबर्स भी दिखना. तो मुझे ये अचानक से आया कि मैं ऐसा कर सकती हूँ, लेट्स डू. मुझे कुछ कपल्स के बारे में ऑलरेडी पता था कि ये अच्छे कपल्स है, तो मुझे लगा कि ठीक है चलो वो वाले कपल्स को तो मैं डालूंगी. फिर मुझे और कपल्स का लगने लगा, लेकिन सिर्फ मैरिज वाले ही जो सक्सेसफुल मैरिज में कन्वर्ट हुए, जो लीगली मैरिड है और ऑफिशियली मैरिड है, या फिर ओनली लीगली, लीगल ही मेन होता है मेरे लिए. सो मतलब मेन होता है इन द सेंस कि दैट इज लाइक कॉन्क्रीट है ना, इन एज पर इंडियन या फिर अर्थली सोसाइटी. सो जो ऐसे कन्वर्टेड हुए हैं, जो मतलब ऐसे हल्के में नहीं है, डेटिंग फेजेस में से मैं बहुत सारे और कपल्स को जानती हूँ जो 10 साल रिलेशनशिप में है, 15 साल रिलेशनशिप में है, 20 साल रिलेशनशिप में, 8 साल है, 5 साल है, बहुत सारे हैं जो रिलेशनशिप में है लेकिन मैरिज में नहीं कन्वर्ट हुआ. तो मैंने उनका नहीं दे रही हूँ. दिस लव मंथ इज ओनली अबाउट मैरिज मैनिफेस्टेशन, जिनको जिसको मैं प्रायोरिटी देती हूँ, एंड जो हेवनली जो कपल है ना, जो गॉडली कपल है, शिव पार्वती, उनका भी मैरिज है, तो मैं उस कपल को ज़्यादा पसंद करती हूँ. तो आप लोग को अच्छा लगेगा, कैसा लग रहा है मुझे बताइएगा. आप लोग को हर एक स्टोरी पढ़ के कैसा लग रहा है, उनके स्टोरी से आप क्या सीख रहे हो, उनको ब्लेस कीजिए और ज़्यादा, ताकि जो भेजी थी दुआ वो लौट के आई थी सदा. आप जैसे दुआ भेजोगे वो आपके पास लौट के सदा आएगी. आप जैसा दोगे आपको वैसा मिलेगा. सिर्फ दुआएं दीजिए, दुआएं दीजिए, उनको ब्लेस कीजिए, उनके खुशी में खुशी खुश हो जाइए, आपकी खुशी में भी ये लोग या कोई और लोग खुश हो जाएंगे, एंड आपको भी ऐसी और इससे भी खूबसूरत खुशियाँ मिलती रहेगी. जैसा खुशी आप चाहते हो आपको वैसी खुशी मिल जाएगी. अगर आप रिलेशनशिप एंड मैरिज को मैनिफेस्ट करो, तो मेरे सारे स्टोरीज़ को पढ़ो, आपको इन स्टोरीज़ में कहीं ना कहीं अपनी खुशी मिल जाएगी. थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय.